सब्सक्राइब कीजिए मनीष सक्सेना फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मोबाइल फोटोग्राफी आइडियाज टू गेट क्रिएटिव प्रोफेशनल क्वालिटी इमेजेस। यानी कि आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही बिल्कुल एक DSLR जैसी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से ये डिमांड आ रहा था कि सर मोबाइल फोटोग्राफी पे आप एक वीडियो बनाइए, तो आज हमने सोचा चलिए इस पे आज एक वीडियो बनाते हैं और कुछ 5-1 पिक्चर्स हम आपको शूट करके दिखाते हैं, जिससे आप ये सीख पाएंगे कि अगर आपके पास में DSLR कैमरा नहीं है एज अ बिगनर और आपको लगती है फोटोग्राफी बहुत अच्छी, तो आपका मोबाइल फ़ोन भी जो है वो किसी एक कैमरा से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो काम करना है मोबाइल फोटोग्राफी में वो ये है कि आपको अपना मोबाइल है वो डालना है एयरप्लेन मोड पे, यानी कि कोई भी कॉल ना अब आ सकती है ना आप किसी को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप जब इसको एयरप्लेन मोड पे डालेंगे तो आप शांति से जो है फोटोग्राफी कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोबाइल फ़ोन का जो पीछे लेंस होता है उसे आपको करना है क्लीन। तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर देता हूँ इस तरह से, ताकि कई बार क्या होता है कि मोबाइल हमारे पॉकेट में होता है या हमारे जो है फिंगर्स इस पर टच करती रहती है तो यहाँ पर आ जाता है कई बार स्टेन्स, तो पिक्चर्स जो है वो थोड़ी धुंधली आती हैं। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखें शुरू करने से पहले। अब आप जैसा देख रहे हैं हमारा जो यहाँ पर एक वर्कर है बिल्कुल स्टूडियो के नीचे, इन्हें हमने थोड़ा सा अटायर पहनाया है और ये एक बाथरोब दिया है इन्हें और यहाँ इनको दिया हमने एक गॉगल, ताकि हम एक अच्छा सा करेक्टर जो है क्रिएटिव पिक्चर जो है निकाल सके अपने मोबाइल फ़ोन से ही। अब लेते हैं इनका हम पहला शॉट। मोबाइल फ़ोन फोटोग्राफी में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो है लोकेशन अच्छी से आप देखिए जहाँ भी आप शूट करें, ताकि आपका ओवरऑल पिक्चर जो है वो आपकी अच्छी निकल के आए एकदम DSLR की तरह। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आपके पास DSLR नहीं है तो मोबाइल फ़ोन जो है मोबाइल कैमरा वो आपकी फ्रेमिंग और कंपोजिशन को जो है काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। तो जब आप DSLR पे काम करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि आप ऑलरेडी मोबाइल के ऊपर काफ़ी सारे पिक्चर शूट कर पाते हैं। अब कैमरा जो है आपको पकड़ना है हॉरिजॉन्टल और मैंने कैमरा इस तरह से होल्ड किया है और यहाँ देख रहे हैं आप सनलाइट हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है और प्लीज़ लुक अप ऊपर देखिए, हाँ थोड़ा सा सिर ऊपर करके, हाँ ये। और इनका लेते हैं हम पहला शॉट, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं शॉट मिला है हमें काफ़ी अच्छा दोस्तों और पूरा एक जो है अच्छा सा करेक्टर निकल के आया है। पीछे आप देख रहे हो लाइट जो हमें अच्छे से फॉल हो रही है, फेस पे लाइट अच्छे से फॉल हो रही है और ये पिक्चर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये हमने लिया बिल्कुल मोबाइल फ़ोन से, तो आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल DSLR की तरह हमें रिजल्ट मिला है। अब ये जो दूसरा आइडिया है वो है हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी का। अगर आपके पास में DSLR नहीं है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से भी है बहुत अच्छी प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं, फिर वो चाहे ई कॉमर्स का काम हो या इंस्टाग्राम के लिए आजकल लोग प्रमोशन के लिए जो है इस तरह के अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो बस हमने करना ये है कि सही जगह चुननी है। यहाँ मैंने इसलिए जगह चुनी है क्योंकि यहाँ पर लाइट आ रही है बहुत कम और जितनी डिज़ायर्ड लाइट है उतनी मुझे लाइट मिल रही है और रिफ्लेक्शन जो है बहुत ही मिनिमम है। थोड़ा सा हमको अपना जो है मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा उसे एडजस्ट करना पड़ेगा और ये आप देख रहे हो कि एकदम बिल्कुल बैकग्राउंड जो है एकदम रफ एंड टफ मिल रहा है और ये थोड़ा सा अभी देखो रस्टी जो है ये जंग लगा हुआ दरवाज़ा ये भी थोड़ा सा बैकग्राउंड में अच्छा निकल के आया है। तो चलिए लेते हैं पिक्चर और यहाँ पर बस हमें ध्यान रखना है कि आपको कैमरा अपना ठीक से पकड़ना है और आपको जो एंगल है मोबाइल कैमरा का वो आपको इस तरह रखना है कि रिफ्लेक्शन जो है वो प्रोडक्ट पे ना आए। तो चलिए लेते हैं कि ये फ़ोटो और देखते हैं ये पिक्चर हमें कैसी मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने एक पिक्चर दिया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कितना अच्छा जो है पिक्चर मिला है हमें प्रोडक्ट का और हमारा जो ये लाइट मीटर है बिल्कुल एकदम कमर्शियल की तरह जो है पिक्चर आप प्रोफेशनल लुकिंग जो है क्वालिटी मिली हमें इस पिक्चर में और वो भी हमने शूट किया अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से। सो नो मैटर आपके पास में कौन सा मोबाइल है, आप बस अपना कैमरा यूज़ कीजिए मोबाइल का और प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से। तो दोस्तों अब जो हमारा थर्ड आइडिया है वो है थोड़ा सा फैशन से रिलेटेड, यानी कि यह हमारे बिल्डिंग के पास भी ये आए हुए हैं अभी मिस्टर मुस्तकीन और इनका हम एक फ़ोटोग्राफ लेंगे। इनका बाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे और ये पिक्चर हम लेंगे ब्लैक एंड वाइट में, ताकि ब्लैक एंड वाइट का फ्लेवर भी है बहुत अच्छे से निकल के आता है मोबाइल कैमरा के अंदर। और यहाँ हमने बाइक को रखा है बिल्कुल इस वॉल के आगे, बड़ी वॉल के आगे, ताकि थोड़ा सा बड़ा वाइड एंगल वाला फील मिले हमें। और इन्होंने पहना हुआ है अपना एक गॉगल्स और अब जो है एक पिक्चर लेते हैं हम। तो मैं थोड़ा नीचे बैठ के पिक्चर लूँगा, तो जब भी आप मोबाइल से फोटोग्राफी करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे अच्छे जो है फ्रेमिंग आपको बहुत अच्छे से बनानी है, आपको एंगल्स बहुत अच्छे लेने हैं, जिससे कि पिक्चर जो है एकदम DSLR की तरह
बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुकिंग जो है क्वालिटी आपको इमेज मिले। तो चलिए मैं लेता हूँ इनका एक पहला शूट और थोड़ा लो एंगल से शूट करूंगा, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ले रहा हूँ मैं, ये देखते हैं कैसी मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये पिक्चर मैंने लिया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट इमेज है और पिक्चर हमें कितना अच्छा मिला है। पीछे का जो वॉल है वो एकदम अच्छे से निकल के आया है, बाइक हमें काफ़ी खूबसूरती से मिली है और जो मॉडल बैठा है बाइक पे वो भी काफ़ी अच्छे से निकल के आया। तो ओवरऑल जो कंपोजिशन है वो काफ़ी अच्छी मिली हमें मोबाइल कैमरा से। और इस तरह की जब आप पिक्चर लें तो आप कम से कम 15-20 शॉट्स लीजिए, उसमें से आप एक दो पिक्चर्स निकाल सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी कंपोजिशन पे आपका जो है हाथ सेट होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे अब हमने काका को बैठाया है एक चेयर पे और पीछे देख रहे हो अभी सिल्वर कलर का पन्नी है, एक्चुअली उसके पीछे लाइट का मीटर है। तो ये थोड़ा लोकेशन हमें इंटरेस्टिंग लगा। तो इस तरह के लोकेशन आपको जो है बराबर हंट करने पड़ेंगे जब भी आप अपने मोबाइल कैमरा से प्रैक्टिस कर रहे हैं फोटोग्राफी की। तो कोशिश करिए कि बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा मिले, सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग मिले। तो बस काका यहाँ बीड़ी पी रहे हैं, हमने कहा वैसे बीड़ी पीना खराब बात होती है, आप मत पीजिए, बट काका पीते हैं तो एक फ़ोटो उनका लेंगे हम इस तरह से। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कितना अच्छा हमें एक पोर्ट्रेट मिला है। सो आप कर सकते हैं अपने मोबाइल कैमरा से पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है मोबाइल फोटोग्राफी करते वक्त। तो आज का आखिरी शॉट है यानी कि हमारा लास्ट आइडिया, वो ये है कि आप ऊपर देख पा रहे हैं मेरे ऊपर है बड़ा खूबसूरत सा एक पेड़ और इस पर खूब सारी पत्तियां हैं। तो अब जो आइडिया ये है दोस्तों कि ये पेड़ की टहनियां, पत्तियां और उसके साथ जो बादल जो है इसको हम दोनों को साथ में लेने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हो थोड़ा लैंडस्केप फोटोग्राफी करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब मैं करता हूँ अपना मोबाइल का कैमरा ऑन और कोशिश करता हूँ एक अच्छा शॉट मिल जाए हमें। और ये जो है हमें बिल्कुल बादलों की डिटेल और ये जो टहनियाँ पत्तियाँ जो हैं ये अच्छे से कैप्चर हो। तो चलिए लेते हैं शॉट। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा हमें एक शॉट मिल गया अच्छा खासा। सो ओवरऑल दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि हम जो है थोड़ा अपना मोबाइल कैमरा के साथ में एक्सपेरिमेंट करें अपनी फ्रेमिंग पे, कंपोजिशन पे, लाइटिंग पे और अलग अलग तरह की पिक्चर्स को क्रिएट करने की कोशिश करें, जिससे कि अगर हम अभी DSLR हमारे पास नहीं है तो हम आने वाले टाइम में जो है अपना माइंड मेकअप कर सकें कि हमें एक अच्छा DSLR लेना है और फोटोग्राफी को थोड़ा सीरियसली लेना है। सो मोबाइल फोटोग्राफी इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने सीखा होगा कि मोबाइल से आप कितनी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स निकाल सकते हो। बस हमें ज़रूरत होते हैं थोड़ी सी दिमाग लगाने की, थोड़ा सा क्रिएटिविटी जो है उस पर हमें थोड़ा सोचने की और पिक्चर्स मिलती हैं आपको अमेजिंग अपने मोबाइल फ़ोन से, यानी कि मोबाइल फ़ोन का कैमरा जो है वो भी किसी DSLR से कम नहीं होता। दोस्तों अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसे लाइक करो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करो दोस्तों। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।